हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रेडहैट लिनक्स 7 में लॉगिन स्क्रीन पर कस्टम लोगो ऐड कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रूट यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा। रूट यूजर से लॉगिन करने के बाद में टर्मिनल ओपन कीजिए, उसके बाद में आपको एक डायरेक्टरी मूव करना है, /etc/dbcdm.d। इस डायरेक्टरी में आपको मूव करना है और यहाँ पर आपको एक डेटाबेस फाइल बनानी है जिसका नेम आपको असाइन करना है 01-logo। इंसर्ट मोड में जाइए और उसके बाद में यहाँ पर इस फाइल में आपको दो एंट्री ऐड करनी है, /gnome/login screen। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना लोगो इक्वल टू, यहाँ पर आपको उस लोगो का पाथ ऐड करना है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं लॉगिन स्क्रीन पर। तो जैसे मैंने जो लोगो ऐड करना चाहता हूँ लॉगिन स्क्रीन पर, वो /etc/wallpaper डायरेक्टरी में अवेलेबल है और उसका नेम है 7.png। उसके बाद इस फाइल को सेव कर लीजिए। उसके बाद में डिकॉन डेटा आपको डेटाबेस आपको अपडेट करना है, तो उसके लिए कमांड एग्जीक्यूट कीजिए /space update। उसके बाद में लॉग ऑफ कीजिए मशीन को और चेक कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन पर ये कस्टम लोगो ऐड हो चुका है। इस प्रकार आप रेडहैट लिनक्स 7 में लॉगिन स्क्रीन पर कस्टम लोगो ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।